आपल्या सासरी आराम करण्यासाठी श्री भगवान जगन्नाथ यांच्या रथयात्रेचे आयोजन केले जाते. यावर्षी सुद्धा रंगारी गल्ली येथून मंदिरातून भव्य रथयात्रा काढण्यात आली. शेकडो भाविकांनी रथ ओढून यात सहभाग घेतला. खत्री कंपाऊंड येथील मंदिर येथे आता आषाढी एकादशीपर्यंत भगवान श्री जगन्नाथ आराम करणार आहेत. श्री जगन्नाथ भगवान यांची रथयात्रा मोठ्या श्रद्धेने जव्हार गेटात असलेल्या रंगारी गल्लीतील मंदिर येथून काढण्यात आली. आषाढी एकादशी महिन्यात दरवर्षी भगवान श्री जगन्नाथ आराम करायला त्यांच्या सासरी जात असल्याचे म्हटले जात असल्याने मोठ्या श्रद्धेने रथयात्रा काढण्यात आली. रंगारी गल्लीत असलेल्या मंदिरमध्ये भाविकांनी पूजा अर्चना करून मोठ्या श्रद्धेने रथ ओढला. पथकाच्या निनादात शेकडो भाविकांनी आपला आनंद व्यक्त केला. अमरावती शहर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल चुकी है. पूरे अमरावती जिले में सिर्फ जवाहर गेट के अंदर रंगारी गली के अंदर भगवान जगदीश जी का मंदिर है. यहाँ से भगवान अपने ससुराल जाते हैं और वहाँ पे विश्राम करते हैं. विश्रांति के बाद भगवान वापस एकादशी के दिन वहाँ कबूतर खाने में जाते हैं. आचार्य परिवार के द्वारा उसका ये कार्य किया जाता है और भगवान आचार्य परिवार का जो निवास स्थान है वहाँ भगवान विश्रांति लेते हैं और उसके पश्चात एकादशी को वापस मंदिर के अंदर आते हैं. और यहाँ पर हमारे कालू महाराज जो है अभी तक उनके पिताजी सेवा देते थे और अभी वो स्वयं सेवा दे रहे हैं. और सभी से विनंती की जाती है कि भगवान जगदीश की जगदीश्वर की जी रथ यात्रा में सभी नागरिक शामिल हो
और एकादशी के दिन जो वापस से भगवान ससुराल से अपने गांव आएंगे यानी रंगारी गली में मंदिर में प्रस्थान करेंगे, उसी दिन भी सभी सब परिवार 5 बजे के आसपास में कबूतर खाना के पास में उपस्थित रहने का कष्ट करें, ऐसी आपसे विनंती करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सही भक्तों को जय जगन्नाथ। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी अमरावती नगरी के अंदर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये मंदिर बहुत साल पुराना है। ऐसे कहा जाता है कि 150-200 साल इस मंदिर वर्ष को हो गया है। और इस मंदिर को जो बनवाया है ये आचार्य परिवार ने मिलकर के बनवाया है। और यह उस महोत्सव जो होता है यह 10 दिन का होता है और कई वर्षों से परंपरा है कि भगवान अपने ससुराल में जाते हैं। और भगवान जगन्नाथ यानी कौन है? जगन्नाथ का अवतार ये प्रेम का अवतार है। एक बार सभी रानियाँ भगवान की जो 8 पटरानियाँ थी और 8ों पटरानियाँ मिलकर करके और रोहिणी माँ से कहती कि माँ ये कृष्ण जब रात को शयन करते हैं तो राधे राधे करते हैं, हमें राधे का चरित्र सुनाइए ना। और जैसे रोहिणी माँ को आग्रह किया और रोहिणी माँ ने कहा कि जब मैं राधे का क्या और पूरा के पूरा आपको वर्णन करूँगी तो दौड़े दौड़े कृष्ण दौड़े दौड़े आएंगे। नहीं नहीं आप सुनाइए ना, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। सारे पटरानियों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और द्वारिका के अंदर रोहिणी माँ ने राधा चरित्र जैसे ही बताना शुरू किया। द्वारिकाधीश अपने दरबार में बैठे थे, जैसे ही राधे का नाम सुना दौड़े दौड़े गए और उस कक्ष की तरफ गए जहाँ राधे का नाम निकल रहा था, क्योंकि राधा एक प्रेम विहल जो मूर्ति है वह राधा है। और जैसे ही राधे के बारे में रोहिणी माँ ने बताना शुरू किया, पीछे पीछे सुभद्रा भी आई, बड़े भैया बलभद्र भी आए और प्रेममय होकर करके उनका पूरा शरीर पिघलने लगा, हाथ पिघलने लगे, पैर पिघलने लगे और पिघलने से जो शरीर बना वही जगन्नाथ बने। और जगन्नाथ की महिमा है। जगन्नाथ जी भगवान 10 दिन की रथ यात्रा महोत्सव के अंदर सुभाष चौक आचार्य निवास में जाते हैं और वहां रहकर के सब भक्तों से निवेदन है कि सुबह की आरती 7 बजे होती है, संध्या की आरती 7 बजे होती है, भगवान का महाप्रसाद होता है, कीर्तन होता है और दिव्य दिव्य सत्संग वहां पे होता है। अमरावती निवासी सभी भक्तों को निवेदन है कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है समय में से समय निकाल करके दर्शन करने जाए और जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होंगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। जगन्नाथ जी उन्हीं को ही बुलाते हैं जो उनके सच्चे भक्त होते हैं, हर इंसान उनके दरबार तक नहीं पहुंच सकता। और यही शोभा यात्रा एकादशी के दिन आषाढ़ शुक्ल का देव शनि एकादशी के दिन भगवान वापस अपने इस मंदिर में प्रस्थान करते हैं। सभी अमरावती निवासी भक्तों से निवेदन है कि सह परिवार पधार करके अपना जीवन धन्य करें। दम मदारी ने लगाया उसे लंगूर की सूजी, दम मौला ने लगाया उसे हूर की सूजी, दम भूखे ने लगाया उसे तंदूर की सूजी, सच्चा दम जिसने लगाया जिसे अपने आप की सूजी, जो भगवत मार्ग में चलता है उन्हें जगन्नाथ प्राप्त होते। जय जगन्नाथ, बोल जगन्नाथ भगवान। ही रथयात्रा शहरातील अनेक मार्गांनी काढून रथयात्रेवर पुष्पवृष्टी करण्यात आली। ही रथयात्रा खत्री कंपाउंड येथील जनकपुरी मंदिरात समारोप करण्यात आला। पुढे पुन्हा आषाढी एकादशी दिवशी भगवान श्री जगन्नाथ आपल्या रंगारी मंदिर येथे परत येणार आहे। आषाढी एकादशीला सायंकाळी 5 वाजता भाविकांनी कबूतर खाना येथे उपस्थित राहून रथयात्रेत सहभागी व्हावे असे आवाहन भाविकांनी केले आहे।